नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का ही गांव है फीना, और फीने की नौमी जो है वो काफ़ी फेमस नौमी होती है। तो ये नौमी का मेला हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं। वीडियो में आपको लगातार बने रहना होगा और ट्रेन की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। मेरे पिछली साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ट्रेन भी चल रही है, और जो झूला है उसका भी आप घूमते हुए इसमें नज़ारा देख सकते हैं। अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाएंगे पूरे मेले का यहाँ से नज़ारा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेले के अंदर मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और ये दिखा रहा हूँ झूले आपको घूमते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये फीना की ही प्रसिद्ध नौमी है जिसको हम यहाँ से दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, और काफ़ी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं, और ये काफ़ी बड़ा स्थान है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सर, कब से चले गए मेला? मेला ये झंडा गया है 4 तारीख से चल रहा। कितने दिन चलता है ये? एक महीना चलता है। दिन रात चलता है या दिन दिन में बस? आपके तो मेरा हल्का चल गया, यहाँ पे बीमारी का प्रकोप था बहुत ज़्यादा, मेले में भीड़ ही नहीं है। अच्छा, भीड़ कम आ रही है मतलब के मुकाबले? बहुत कम। तो साफ सफाई की क्या व्यवस्था करती है? साफ सफाई के 11 कर्मचारी लगा रखे हैं। 11 कर्मचारी लगाए हैं। अच्छा, ये जो मेला लगता है किस उपलक्ष्य में लगता है? इसके कारण मेला जहरवीर देव। अच्छा, तो छड़ी। अच्छा, ये लास्ट में लगता है, पहले छड़ी स्टार्ट होती है उसके बाद में ये। यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर जो है वो कमेटी है बनी, जो कमेटी है मेला की, यानी इसको मेला प्रशासन भी कह सकते हैं। पुलिस की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो अभी एक जो स्थान है उसको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, जो जिसलिए ये मेले का यहाँ पर जो जहरवीर देव भोगा जी का स्थान है उसी से मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। और यहीं से इसी के जो ग्राउंड है वो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, और यहाँ से मैं आपको ये दिखा देता हूँ पूरा। आप देख सकते हैं मतलब काफ़ी ऊंची, आप ऊपर तक देखिए तो ये आपको पूरा नज़र आ जाएगा। मतलब हर वर्ष जो है यहाँ पर इसको जहरवीर दीवान का मेला भी कह सकते हैं। और इधर दूसरी साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये गुरु गोरखनाथ जी का ये स्थान है, और साफ सफाई की व्यवस्था आप देखिए। जैसा कि अभी बताया, जो कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया 11 सफाई कर्मचारी जो हैं वो मेले में यहाँ पर रखे गए हैं। साफ़ सफाई की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, और आगे भी सामने की ओर आप देख रहे होंगे तो दुकानें आपको नज़र आएंगी। तो काफ़ी यहाँ पर ये बड़ा फील्ड है जहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं, और इधर जो हैं ये प्रसाद वगैरह की ये दुकानें हैं, क्योंकि प्रसाद चढ़ाने के लिए भी यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। जो स्थान है ये बना हुआ, यहाँ पर प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। तो देखिए, जैसा कि हम मेला आपको दिखाई रहे हैं जो नौमी का मेला है, और यहाँ पर कुछ दुकानदार बैठे हुए हैं। सर, कहाँ की दुकान है आपकी? प्रसाद की दुकान है सर यहाँ पर। हाँ जी, चल रही है आपकी ये? दुकान सही चल रही है। आ रहे हैं लोग प्रसाद? लोग बाग आ रहे हैं यहाँ पे, आस्था है यहाँ, मनोकामना पूर्ण होती है लोग बागों की। झारपीर का, गोगा मेड़ी का सदियों से मेला लगता है। हाँ, जो यहाँ पे मतलब जैसे सांप किसी के काट लेता है धोखाधड़ी में, तो झंडी प्रसाद चढ़ाने के लिए भी आते हैं, मनोकामना भी पूर्ण होती है। हाँ सर, तो सही भीड़ भाड़ ठीक आ रही है? हाँ, भीड़ भाड़ लगभग 3 बजे ठीक ठाक चलती है, 11-12 बजे तक सुबह को ऐसे रहता है हल्का फुल्का। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद। तो अभी हम और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। अभी मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आप देखेंगे तो मैं सामने की ओर आपको दिखाता हूँ, ये आपको झूला घूमता हुआ पूरा नज़र आएगा जो नौमी मेला है। और ये काफ़ी प्रसिद्ध मेला है जिसकी ये तस्वीरें आप यहाँ से देख रहे हैं, और काफ़ी जो है बच्चों के यहाँ पर आइटम यहाँ आए हुए हैं। तो अभी और अंदर हम चल रहे हैं और आपको पूरा ये मेला आपको दिखाएंगे। तो हो सकता है ये आप देख रहे होंगे जैसे कि मौत का कुआं है, और यहाँ भीड़ नहीं है और ये बंद पड़ा हुआ है। कह नहीं सकते किन कारणों से ये अभी बंद है, हो सकता है कि कुछ देर बाद जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन जो झूले वगैरह हैं और जो बच्चों के आइटम हैं उनको आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मतलब काफ़ी जो हैं वो बच्चे इनमें बैठकर झूल रहे हैं, और जैसे ही रात होती जाएगी तो यहाँ पर भीड़ बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि रात के समय ऐसा बता रहे हैं यहाँ के लोग बाग कि रात के टाइम में जो है वो काफ़ी लोग यहाँ पर
पहुंचते हैं रात के टाइम में, यहाँ के मेले का ज़्यादा ही एक अच्छा मनमोहक जो है वो दृश्य रहता है। कहाँ से आए हो? दुजाला कला से। दुजाला कला से मेला देखना है? यस सर। कैसा लग रहा है, आज पहली बार आए या पहले भी आए? तीन चार बार आए हैं। पहले भी आए हैं तो यहाँ की ये नवमी फेमस क्यों हो, मतलब क्यों फेमस है? ऐसा भी है तो पहले से ही है, दूर दूर के आते हैं, नवमी मेला है। वो कुछ युवा हैं जो पास के ही गांव से यहाँ पर पहुँचे हैं मेला देखने के लिए, अभी और चलते हैं हम और कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? कमल कुमार। कमल कुमार। कमल कुमार। तो कमल कुमार जी घूमिए मेला आप? मेला घूमिए। क्या क्या देखा मेले में? बहुत कुछ देखा। बहुत कुछ देखा। अच्छा लगा या? सही है, बढ़िया। अच्छा लगा। यहीं के रहने वाले हैं या? नहीं, गोयली के पास। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर होगा? लगभग 10-12 किलोमीटर। 10-12 किलोमीटर से आप यहाँ मेला देखने के लिए? हाँ। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं अभी, और हम कुछ दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कुछ युवा जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि वो कहाँ से हैं। कहाँ से आए हो? मझोला गुजर। मझोला गुजर। मझोला गुजर। कितनी दूर है यहाँ से? मझोला 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जी। 3 किलोमीटर। तो गुंडागर्दी चल रही मेले में या नहीं? नहीं, नहीं चल रही। नहीं चल रही। अच्छा, अधिकतर मेलों में जैसा होता है कि जेब कतरे भी घूमते हैं, तो यहाँ कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं? नहीं। कैसा लग रहा है मेला? ये बढ़िया, एक नंबर। एक नंबर लग रहा है। जी जी। आपका क्या नाम है? विनोद शर्मा। विनोद शर्मा। तो मेला घूम आए जी? हाँ। तो यहाँ ये क्या शॉप दिखा रहे हैं? हाँ, शॉप दिखा रहे थे। शॉप दिखा रहे हैं। सही है व्यवस्था मेले की? बढ़िया, अच्छी की व्यवस्था है। कमेटी वाले बढ़िया आदमी। कमेटी वाले? हाँ जी, हाँ जी जी जी। तो अभी युवाओं ने हमको बताया वे मतलब पास के ही गांव से यहाँ पर पहुँच रहे हैं मेला देखने के लिए, और ये साइड में दुकानें लगी हुई हैं और कुछ दुकानदारों से भी हम अभी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं दुकानदार क्या बताते हैं। और ये पकौड़ी, पकौड़ी की ये दुकान है, पकौड़ी बन रही हैं। बिक्री हो रही थी? बिक्री हो रही ना? कैसी बिक्री हो रही? सही चल रहा है? सही चल रहा है। भीड़ भाड़ ठीक है? भीड़ भाड़ ठीक है। कितनी पकौड़ी बेच रहे हैं रोज? एक कट्टा आलू की। मतलब अच्छा चल रहा है काम? हाँ। ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो जैसा कि देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है वो पकौड़ी ये चल रहे हैं और पकौड़ी की भी काफ़ी अच्छी बिक्री बता रहे हैं वो। तो अभी हम और देखते हैं और कितने लोगों से हम बात कर सकते हैं, अभी कुछ और ग्राम यहाँ पर जो भी मेला देखने के लिए आए हैं लोग उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ तो लगातार बने हुए हैं, वैसे तो पूरा मेला हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी साइड से हम आपको दिखा चुके हैं, अभी दूसरी ओर हम आ चुके हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ये फील्ड है जो इसका ग्राउंड है इस मेले का, जो नवमी का मेला है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ काफ़ी फेमस ये मेला है और इसीलिए यहाँ पर जो है वो काफ़ी दूर से डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर ये काफ़ी मशहूर मेला इसको कहा जाता है जो नवमी का मेला है। अभी मैं इनसे इधर की दूसरी साइड की ओर दुकान कर ले पे बात कर लेता हूँ जो दुकानदार हैं यहाँ पर। तो कैसी चल रही दुकान आपकी? आज तो मौसम हल्का हुआ, हरिया ख़राब तो इसलिए हल्का चल रहा काम। पैसा सही चल रहा? अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद सर। तो अभी दूसरे जो दुकानदार हैं अभी हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर हालांकि थोड़ा भीड़ है यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे और यहाँ हम इनसे बात करेंगे, ये खड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? जरीश अहमद। जरीश अहमद। तो जी कैसी चल रही है आपकी दुकानदारी? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, मतलब किस वजह से? लोग बाग कमा रहे हैं या खरीद कम रहे हैं? लोग बाग भी कमा रहे हैं, खरीद खरीदारी भी नहीं है। अच्छा, ये क्या आइटम है आपका? ये मैट है। अच्छा, और पन्नी है। मैट और पन्नी। मैच पोस है, टीवी कवर, फ्रिज कवर वगैरह, मतलब लोग कम खरीद रहे हैं। ठीक है सर। तो जैसा कि उन्होंने बताया यहाँ पर जो है वो अभी इनकी मेट और पन्नी वगैरह की दुकान है और कम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और ये कुछ भाई इधर की ओर भी बैठे हुए हैं, यहाँ क्या बटुए हैं और ये घड़ी और चश्मे। क्यों भाई जी, कैसी बिक्री हो रही है आपकी? अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही जी सर। सर कितना समय हो गया आपको ये दुकान की हुए यहाँ? 10 दिन हो गए सर। 10 दिन हो गए। अभी कितने दिन और रहेगी? 20 दिन और रहेगा। 20 दिन और रहेगा जी। क्या नाम है सर आपका? सिद्धू खान जी। सिद्धू खान। सिद्धू खान। तो सिद्धू खान जी कैसी चल रही है आपकी दुकान? दुकान नहीं चल रही जी। नहीं चल रही? पब्लिक ही ना है। पब्लिक नहीं है, बिक्री कम हो रही? मतलब बिक्री कम हो रही है। ये किन कारणों से ये गाँव में बुखार है? इस वजह से? बुखार की वजह से हो रहा है। बुखार की वजह से हल्का मिला? हाँ। तो आसपास के गांव के लोग तो आ रहे होंगे यहाँ? नहीं आ रहे। नहीं आ रहे? ना के बराबर आ रहे हैं। अच्छा, तो रात को भी चलता है ये? ना, रात को भी 9-8 बजे तक चलेगा। 8 बजे तक मतलब ऐसे ही बस, मतलब बहुत हल्का? बहुत हल्का, बहुत हल्का। ठीक है सर, धन्यवाद सर।
मेले में आपको ने देख लिया, मैं दूसरे जो मेन स्थान था वहाँ से आपको लेकर आया हूँ, और इधर भी ये दुकानें लगी हुई हैं जैसा कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में। और अभी एक जो रास्ता है, जो मेन रास्ता है, मतलब यहाँ से एंट्री करके आते हैं, इस रास्ते पर भी ये दुकानें लगी हुई हैं। अभी आगे चलता हूँ मैं आपको, और जो रास्ता है उसका जो मेन गेट है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। मोहम्मद वाजिद, तो कैसी चल रही है आपकी दुकान, सेल उल कैसी हो रही है? अभी लगाई है, अभी सेल वेल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी लगाई, मतलब आज ही लगाई? आज ही लगाई। अच्छा, तो मेला तो काफी दिनों से चल रहा है, लास्ट में चला कर रहा था, अब चल नहीं रहा। अच्छा, हल्का मतलब अभी बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। किस वजह से, भीड़ कम आ रही है, खरीद कम रहे लोग? भीड़ कम आ रही है, खरीद कर रहे हैं, जो ऑर्डर रखी थी बीमारी चली उसकी वजह से कारोबार बिल्कुल आगे खत्म हो गया। अच्छा, कहाँ के आप, कहीं बाहर से आए हो? जी नगीना, नगीना से आए जी। तो देख सकते हैं आप, ये नगीना से आए हैं, और यहाँ पर जो है वो दुकान इन्होंने फीना के मेले में लगाई हुई है, और जैसा कि बता रहे हैं कि बिक्री जो है वो काफ़ी हल्की यहाँ पर वो बता रहे हैं। अभी और मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ। तो ऊपर की ओर आप देख सकते हैं, रात के लिए लाइट की ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि रात के समय में मेला जो है और काफ़ी भीड़ यहाँ पर आती है रात के टाइम में, और ये काफ़ी अच्छा मेला है। तो ये कपड़ों की दुकान है आपकी? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान। अच्छा, तो फुरकान जी, कैसी चल रही है आपके ये कप वगैरह, बिक रहे हैं या नहीं? बिक तो रहा है भैया, लेकिन यहाँ का जो मेला है ये फ्लॉप हो गया है। फ्लॉप हो गया? हाँ, यहाँ पे जो है ना, हर साल जो है बहुत अच्छी दुकानदारी होती थी और लोगों का बहुत अच्छा माल भी बिकता था। अच्छा। लेकिन इस मरतबा जो है कोरोना का संकट फैला हुआ है। अच्छा। और यहाँ पे जो है नज़दीक में मुर्दा, क्या बोलते हैं उसको, शमशान घाट है, तो लोगों के अंदर जो है डरावना, मतलब एक अफवाह फैल गई, अफवाह से भय फैल गया लोगों के, यहाँ पे जो है लोगों के दिलों में डर है। अच्छा। तो इसलिए लोग नहीं आ पा रहे हैं, जैसे मेहमान आते थे आके अपने रिश्तेदारों के घरों पे और यहाँ पे घूमते थे, ऐसा नहीं हो पा रहा आपके। तो जो यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं बस वही आ रहे हैं, आगे के लोग मेहमान वो नहीं आ पा रहे। तो ये मेले में जो है ना भीड़ भी नहीं है और चल भी नहीं पा रहा बढ़िया होकर। अच्छा। सारे दुकानदार जो है मायूस है इसी वजह से, क्योंकि बिक्री भी नहीं हो पा रही। तो ये सारी चीज आपका, मतलब काम बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। ये मान लीजिए आप 20% भी मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ, लगभग 80% यानी काम बिल्कुल डाउन पड़ा इस मेले के अंदर। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, काफ़ी दुकानदारों से हमने बातचीत की, बता रहे हैं काफ़ी हल्का यानी डाउन जो है वो इस बार काम चला हुआ है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, देखिए मैं पूरा मेला आपको दिखाता हुआ ला रहा हूँ, और ये एक गेट बना हुआ है। तो सामने की ओर आप ये गेट देख सकते हैं, जो जहाँ से ये एंट्री करने के बाद यहाँ पर अंदर पहुँचा जा सकता है। हो सकता है एक गेट दूसरी साइड से भी बनाया हुआ है, लेकिन अभी उस गेट की ओर हम नहीं गए हैं। तो ये इधर जो है वो पार्किंग वगैरह है, जो मेला नवमी वीर जहाड़देव का ये मेला है फीना, यहीं पर जो है वो पार्किंग बनी हुई है बाइक वगैरह, और ये गाड़ी वगैरह भी यहाँ पर, वैसे गाड़ी फोर व्हीलर भी खड़ी हुई हैं। और सामने से आप देख सकते हैं, मतलब अंदर की ओर दुकानें, मार्केट भी काफ़ी है और यहाँ फील्ड भी काफ़ी है। तो काफ़ी लोग क्योंकि दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं, इसीलिए यहाँ पर फील्ड भी अच्छा खासा फील्ड बना हुआ है। अभी कुछ और हम बात कर लेते हैं, मेन गेट यही है या दूसरी ओर से? ये बताएंगे। मेन गेट यही है, यही है। हाँ। दूसरी ओर से भी बना हुआ गेट ना, जो ये बस। अच्छा, तो ये गेट के पास में आपने ये दुकान की हुई है, ये सील पत्थर की? हाँ, सील बिक्री हो रही है आपकी, है ना? बिक्री उगरी कुछ ना हो रही भाई साहब। क्यों? बस आपके ये एक दो सील बिक जाते हैं, बस एक दो सील बिक रही है। काम हल्का दिख रहा है? काम हल्का ही है। भीड़ कम आ रही क्या? हाँ, भीड़ उड़ तो शाम के टाइम बढ़ती है भीड़। क्या जी है, खरीदारी मतलब कम कर रहे हैं? हाँ, खरीदारी कम है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ से ये मेन गेट है और एक गेट दूसरी ओर से है मेले के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और रात की रात के लिए लाइट की भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो है वो व्यवस्था की हुई है। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया जो नवमी मेला है फीना का, जो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का ही ये गाँव है, उसी मेले में हमने आपको पूरा घुमा दिया है। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम मिलते हैं जल्दी कोई नया अपडेट लेकर और किसी नए वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।